सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनू राम, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है केवी क्लासेस संबुलगढ़ दे विच। किवें हो तुसीं सारे? उम्मीद करना सारे वधिया होंगे। करोना काल दे विच ते भयानक बीमारी चली हुई है, इस नूं थोड़ा जिहा लीनियट नहीं लैना, क्योंकि जिहदे नहीं होया उहनूं थोड़ा जिहा मजाक दे विच लै रहा है, अदरवाइज थोड़ा जिहा मतलब दिक्कत हैगी है, क्योंकि काफ़ी मैं साडे रिश्तेदार ने उहनां नूं भी देखिया है, तो बहुत सारे केस जिहड़े नेड़े तेड़े दे सीगे भी देखे, तो थोड़ी जी क्रिटिकल है बीमारी, तो इस तो बचा ही चंगा है दोस्तों। ठीक है, चल जिन्ना आप परहेज कर सकते हैं चंगी गल है। दूजी आप जी तैयारी है उन्होंने भी नहीं छड़ सकते, क्योंकि तैयारी बड़ी जरूरी है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को टाइम जिहड़ा है बहुत घट है, तो जो भी लॉकडाउन खुलेगा मे बी मंथ लग जाए, डेढ़ मंथ लग जाए, जिन्ना भी है भी जुलाई या अगस्त आसार है पेपर लैन के। ठीक है जी, तो तैयारी ना छोड़ो, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, थोड़े वास्ते ही असं मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, सारा सिस्टम सारा सैटअप देखो घर भी घर के लिया के शुरू किया है, ताकि मतलब थोड़ा गैप है जोड़ा वो गैप ना हो। खास करके मैं पटवारी पर ज़्यादा फोकस कर रहा, क्योंकि पटवारी का पहला पेपर लैन का आसार हैगी है, तो पटवारी के जी हैगी मैंसुरेशन ज़्यादा वेटेज रखती है। ठीक है जी, तो इस करके मैं कोशिश करूँगा भी मैंसुरेशन दियाँ डेली आप अद्धे घंटे की या पौने घंटे की भी एक वीडियो पा भी पाई जाए। ठीक है जी, तो घट तो घट 15-20 दिन या महीने के आप मैंसुरेशन कवर कर लेंगे, मतलब जो लॉकडाउन है लॉकडाउन के मैंसुरेशन हो अच्छे लैवल की आप कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो पटवारी का पेपर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जी उम्मीद हैगी है भी पटवारी का एको ही पेपर होगा, दूजा पेपर ना लैन, क्योंकि इन्ना टाइम नहीं है। ठीक है जी, तो इस करके तुसीं अपनी तैयारी ना छड्डो, तैयारी नूं कंटिन्यू रखो, सगों हुण तुहाडे कोल तां बहुत वधिया मौका है, कितें जाना नहीं गा, घर दे विच बैड दे उत्ते बैठ के पढ़ना ही सारा दिन, होर कोई काम नहीं करना। मैथ दीआं वीडियोज़ मैं लगातार तुहानूं सेंड कर रहा, रीजनिंग कोशिश करूँगा भी हफ्ते विच 2 या 3 वीडियोज़ तुहानूं मिल जाण। ठीक है जी, क्योंकि थोड़ी जी तबीयत मेरी भी अजे प्रोपर सही नहीं हैगी है, अदरवाइज़ मैं मैथ रीजनिंग ते जीके तुहानूं 2-3 ही अपलोड कर दिंदा, थोड़ी जी दिक्कत है सेहत दे विच, क्योंकि साह छेती चढ़ जांदा है, ते बाकी जिहड़ियां हैगियां ने जीके जिहड़ी है वह सोनू सर लगा रहे हैं, पोलिटी दी क्लासां ऑलरेडी चल रही ने। ठीक है जी, हरियाणा जीके जे कोई स्टूडेंट्स हरियाणे का एग्जाम कोई देना चाहता है तो वह कंटिन्यू कर सकता है, तो बहुत वधिया मौके है, आपदे प्रोपर तरीके नाल नोट्स बनाने शुरू कर दो। ठीक है जी, तो हुण ज़्यादा समा ना लेंदे हुए आप मैंसुरेशन का जिहड़ा है वह पार्ट आप कंटिन्यू रखते हैं। तो मैंसुरेशन का जिहड़ा PDF का तुहाडा क्वेश्चन है वो 11th क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन की कहता है जी, टू साइड्स ऑफ ए प्लेट सॉरी प्लॉट मेजर 32 मीटर एंड 24 मीटर्स एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ परफेक्ट राइट एंगल। कहना जी कोई प्लॉट है, ठीक है जी, जिन्हें 2 साइड्स दे रखिया ने 32 मीटर और 24 मीटर, तो उन्होंने विचकार एक की बनता जी परफेक्ट राइट एंगल बनता है, परफेक्ट की बनता जी एक राइट एंगल बनता है। तो मैं वो 2 साइड्स ले लिया जी, सपोज करो आ परफेक्ट राइट एंगल ले लिया, आप 2 साइड्स ले लिया, दोनों के विचकार जिहड़ा एंगल है वह किन्ने डिग्री का दोस्तों 90 डिग्री का है। तो सपोज कोई मर्जी आप लै सकते हैं, सपोज करो मैं इनू 32 लै लिया, इनू मैं कितना लै लिया जी 24 लै लिया। ठीक है दोस्तों, इस तो बाद की कहना जी, दैन द अदर टू मेज अदर टू साइड्स मेजर 25 मीटर ईच, जिहड़ियां बाकी 2 साइड्स ने वो हरेक किन्नी है जी 25 मीटर की है, 25 मीटर ईच, एंड द अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, बट जेके बाकी 3 एंगल बच गए वो 3 के 3 की है जी मेरे को एक राइट एंगल नहीं है। तो वट इज़ द एरिया ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट का एरिया की होएगा, तो प्लॉट का एरिया वास्ते देखो इन्हें एक तो राइट एंगल देता, दूजा की देता जी इन्हें 2 साइड्स देतियाँ, सपोज करो मैं इतों डायगनल ड्रा कर लिया। ठीक है जी, इस तो बाद आ भी 25 देती, तो आ भी 25 देती। ठीक है जी, दोनों 25-25 देती। तो हुण देखो अपने कोल एक इनू आप पैरलोग्राम भी बन सकते हैं, तो पैरलोग्राम का एरिया अपने कढ़ने वास्ते आपां नूं नहीं तरीका अपने कोल पता है, तो आप किस तरीके नाल कर सकते हैं इहदा। ठीक है जी, इनू आप 2 ट्रायंगल डिवाइड कर लैंदे आ, 2 ट्रायंगल किस तरह डिवाइड कर लैंदे आ, सपोज करो इनू मैं ए मान लिया, इनू मैं बी मान लिया, इनू सी लै लिया, तो इनू की लै लिया जी, मैं डी लै लिया। ठीक है जी, तो इतने मेरे को 2 ट्रायंगल्स बन गई, एक तो ट्रायंगल बन गई ए डी अते सी, ए डी अते सी का मैं एरिया जिहड़ा हैगा ईजीली कर सकता हाँ। दूजी मेरे को ट्रायंगल की आ गई ए बी अते सी,
ए बी सी एक बीच बन मेरे को भी यानी कि एक ट्रैंगल बन गई, ठीक है, क्योंकि ए सी मैं एक डायगनल ड्रॉ कर लिया। तो जे मेरे को इस त्रिभुज का एरिया तो आ जाएगा, जे मैं इस त्रिभुज का एरिया भी कढ़ लाँ तो मेरे को है आंसर आ सकता है भी दोनों त्रिभुजों को मैं प्लस करना, ट्रैंगल ऑफ एरिया ए डी सी प्लस ट्रैंगल ऑफ एरिया ए बी सी दोनों मैं जो प्लस करना तो मेरे को दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एरिया किवें कर सकते हैं, देखो एरिया ऑफ प्लॉट तो प्लॉट की है जी ए बी सी डी, ठीक है जी। इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी दोनों आप कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे, ठीक है जी। हुण एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी इनू तो कढ़ना कोई औखा नहीं है क्योंकि ट्रेंगल का एरिया दे रखे थे, आ ट्रेंगल की बनती है जी मेरे को एक राइट एंगल ट्रेंगल बनती है, क्योंकि दोस्तों तुम्हें पता भी एक जो एंगल है अपने को 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल जो है तो राइट एंगल ट्रेंगल बन गई, तो राइट एंगल ट्रेंगल का जो एरिया होंगे 1/2 बेस इंटू की होंगे जी हाइट होंगी है, तो बेस कि जी मेरे को 24 हाइट कि 32 सेंटीमीटर प्लस। हुण एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी वास्ते या तो अपने को है ए सी की आप वैल्यू पता हो, ए सी की जो वैल्यू पता होगी तो आपू पाइथा ओ सॉरी हीरोज फार्मूले आप इसका एरिया कट सकते हाँ, जा मेरे को ए सी की भी वैल्यू पता हो जाए तो मैं यदि हाइट परपेंडिकुलर पता लग जाए किसी तरीके, तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला भी मैं लगा सकता हाँ, ठीक है जी। तो हूँ दोस्तों देखो आ जी मेरे को ट्रेंगल है, आ जी ट्रेंगल है मेरे को ए डी ते सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल दे विच आ 32 सेंटीमीटर है तो आ 24 सेंटीमीटर है, आ 32 दे रखी है 24 दे रखी है तो आ ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी जी 40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 सेंटीमीटर कितने हो जाएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट की होंगी दोस्तों एक हमेशा याद रखियो आ ट्रिपलेट याद रखियो, वैसे तो मैं जिमें जिमें आप क्वेश्चन डिस्कस करी जावे नाल दी नाल आप क्वेश्चन करी जावे, ठीक है जी। तो एक ट्रिपलेट जी है बेसिक वो 3, 4 और 5 की हैगी है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब की होंगे भी जी एक भुजा है, एक भुजा मतलब जी लोंगैसट साइड होंगी है, 3, 4 और 5 लोंगैसट साइड कि जी 5 है, जे मैं 5 का स्केयर करा 5 का स्केयर किया कि आ गया जी 25 आ गया, कि आ गया दोस्तों 25 आ गया, जी लोंगैसट साइड का स्केयर है वो जड़िया दो साइड बच गई उन्होंने स्केयर के जोड़ते की होंगे बराबर होना चाहिए, तो इतने मेरे को 3 का स्केयर जो मैं करा 3 का स्केयर कि आएगा जी 9 आएगा, कि आएगा दोस्तों 9 आएगा, 4 का जो मैं स्केयर करा तो 4 का स्केयर कि आएगा दोस्तों 16 आएगा, तो 16 + 9 कि आ गया 25, 5 का स्केयर भी कि है जी 25 है, तो जिहड़ियां दो छोटियां साइड्स होंदियां ने जेकर उन्होंने स्केयर का जोड़ जिहड़ी सब तो वड्डी पूजा है वो बरा स्केयर के बराबर आ जाए तो वह आप कह दें जी एक राइट एंगल ट्रेंगल कह दें, तो वह की होंगी मेरे को पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाती है, आ फिक्स ही है, जे एक साइड 3 होएगी एक 5, 4 होएगी तो थर्ड साइड कितनी आएगी जी 5 ही आएगी, मतलब की है आ एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाती है दोस्तों। ये आ जी दो समॉल साइड्स होंगे ने आप नेचुरली गल पता है भी जिहड़ियां दो समॉल साइड्स होनगियां ने एक उन्होंने बेस होएगा तो एक की होएगा परपेंडिकुलर होएगा, तो जी लोंगैसट साइड होंगी है वह हमेशा की होंगी है जी हाइपोटेनियस होंगी है, ठीक है जी। तो इन्होंने एक 3 ले लिया आप 4 ले लिया तो ऑटोमैटिक तीजी कि आ गई जी 5 आ गई, ठीक है जी। तो हमेशा 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट याद रखियो, एक ट्रिपलेट होंगी है 3, 4 और 5 की, इस तो बाद इसे तो ट्रिपलेट बनती है, मैं जी यू 2 मल्टीप्लाई करना तो दूजी ट्रिपलेट की बन जाएगी 2 × 3 = 6, 4 × 8 = 5 × 10, 6, 8 और 10 की भी की बन जाती एक ट्रिपलेट बन जाती है। तीजी ट्रिपलेट मैं सपोज करो इन 4, 3 मल्टीप्लाई कर देना 3 × 3 = 9, 3 × 4 कि आ गया जी 12, तो ऐटोमैटिक जी तीजी साइड वो कि हो जाएगी दोस्तों 15 हो जाएगी, मतलब 9, 12 और 15, जे ये एक 9 होएगी कि 12 होएगी तो तीजी ऐटोमैटिक कि आ जाएगी दोस्तों 15 आ जाएगी, ठीक है जी। आही ट्रिपलेट इतने लग रही है कि ट्रिपलेट किस तरह लग रही है वो देखो, सेम ट्रिपलेट इतने किवें काम कर रही है वो चीज़ देखो, एक साइड मेरे को कितनी है जी 32 सेंटीमीटर है, एक साइड कितनी है जी 24 सेंटीमीटर है, इनू मैं जो देखा तो 8 नाल डिविजिबल हो रहा है, 8 नाल जे मैं इनू कटा तो 8 चौका 8 चौका कि आ गया जी 32,
8 3 का कि आ गया 24, 8 3 कि आ गया जी 24। तो एक साइड 3 आ गई, एक साइड कितनी आ गई जी 4, एक 3 आ गई, एक 4 आ गई। तो ऐटोमैटिक जी नैक्सट होगी कितनी होगी जी 5 होगी। 3 4 और 5 की ट्रिपलेट बन गई। इनू हूँ किन्ने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 8 न मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 32, 3 में भी 8 न मल्टीप्लाई करके कि लिखा हुआ है 24। मतलब 5 में मैं जो 8 न मल्टीप्लाई करूँगा तो नैक्सट जी साइड बनेगी वह कि बनेगी जी 40 बनेगी, 40 बनेगी। तो उही ट्रिपलेट जी इतने मैं लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिमें जिमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो एग्जामीनर हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन ही देता है, इदा का क्वेश्चन ही तुम्हें देगा जिदे कोई ना कोई ट्रिपलेट बनती होगी, कोई ना कोई की है ट्रिक लगता होएगा। तो आ 32 आ गई, आ 24 आ गई, तो नैक्सट कितनी बन गई जी 40 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है दोस्तों। हुण एक तरीका तो इतों ही है, इस ट्रायंगल नूं आपां हीरोन्स फार्मूले नाल की है इहदा आंसर कढ सकदे हाँ। दूजा तरीका की है, दूजा तरीका देखो मेरे कोल आ की बन गई कि ट्रायंगल बन गई, ठीक है जी। मैं इस ट्रायंगल नूं इस तरह बना रहा, ठीक है जी। आ हुण मेरे कोल 25 है, आ भी मेरे कोल कितनी है जी 25 है। तो आ मेरे को बेस है, सपोज करो आ ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, तो सी है। ए बी भी 25 है, तो बी सी भी कितनी है जी 25 है, ए सी कितनी है जी 40 है, ठीक है जी। तो आ मेरे को आ कितनी है जी 40 है। तो आ दोस्तों मेरे को बन गई एक आइसोसेलेस ट्रैंगल बन गई। आइसोसेसल मतलब दो पुज सम दो पुजित्र पुज बन गई। सम दो पुज के दो पुजावं की होंगे ने बराबर होंगे ने। आ भी 25 बन गई, आ भी 25 बन गई, तो थर्ड कि बन गई दोस्तों मेरे को 40 बन गई, ठीक है जी। तो हुण आइसोसेलेस ट्रैंगल जो मेरी पहली वीडियो तुम ध्यान नाल देखी है तो तुम्हें मैं दस्या सीगा भी आइसोसेलेस दे विच एक प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है। आइसोसेलेस ट्रैंगल दे विच जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हाँ, जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हाँ, तो आ जो परपेंडिकुलर है इनू बराबर दो हिस्सों के वंडदा है। बराबर दो हिस्सों का मतलब आ कि आ गई जी टोटल कितनी सी 40, तो आ भी 20 आ गई, तो आ भी कितनी आ गई जी 20 आ गई, ठीक है दोस्तों। हुण जे आ 25 है, आ जब 20 है, तो आ एक मेरे को है राइट एंगल ट्रैंगल है, तो उही आप पाइथागोरस ट्रिपलेट इतने भी लगा सकते हाँ। आ 25 है मतलब की है कर्ण, 25 आ गया। आ बेस है कि आ गया जी 20 आ गया, किन्ने डिवाइड हो रहा 5 से, 5 25 5 चुका 20। तो तीजी साइड कि आ गई जी 5 है 4 आ, तो ट्रिपलेट की देखा तो मेरे को आएगा जी 3 आएगा, 3 आएगा तो गुणा कि करनी है जी 5 ना, ताइयों मेरे को बन जाएगी 15। तो आ कि आ जाएगी दोस्तों 15 आ जाएगी, कि आ जाएगी 15। आ तो मैं सिर्फ तो सिर्फ समझाने वास्ते लिखा, अदरवाइज जो भी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो ऐटोमैटिक पता लग जाएगा। मैं इतों डायरैक्ट भी लिख सकता, डायरेक्ट मैं लिख सकता सीगा भी आ 25 है, आ 25 है, आ जे 40 है, तो आ मेरे को जी साइड होएगी वो कितनी होएगी जी 15 होएगी, कितनी होएगी दोस्तों 15 होएगी, 15 होएगी, ठीक है जी। तो आ भी मेरे को बन गई कि दोस्तों ट्रैंगल बन गई, जिदा मेरे को बेस भी आ गया, तो मेरे को आ गई जी हाइट भी आ गई। तो हुण इहदा एरिया कितना आ जाएगा, इहदा एरिया भी कितना आ जाएगा जी 1/2 बेस, बेस कितना है जी 40 है, बेस कितना है 40 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है जी 15 है, हाइट कितनी है दोस्तों 15। कट दो हुण इहनू, 16 ते कटना या 12 ते कटना, 12 ते कट दो, ठीक है जी। 32 नूं एज़ इट इज़ रख लो, इहनू किन्ने ते कट दईए जी आपां 20 ते कट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हुण 32 ते 12 नूं मल्टीप्लाई करो, 12 दूणा 24 हासिल आ गई 2, 12 ती 36 ते 2 किन्ना आ गया जी 38, ठीक है दोस्तों। ते 15 दूणा किन्ना आ गया जी 30, किन्ना बन गया दोस्तों 300, ठीक है। तो आ कितना बन गया जी 684 मीटर स्केयर, कितना एरिया आ गया दोस्तों 684 मीटर स्केयर। केड़ी ऑप्शन आ गई जी, ऑप्शन डी, एरिया कितना आ गया जी प्लॉट का, एरिया आ गया जी 684 मीटर स्केयर, ठीक है जी। जे फिर भी किसी को नहीं समझ लगी दोस्तों तो वीडियो ने रिमाइंड करके रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईजी क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन की कहता है। नैक्सट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल की होएगा। देखो दोस्तों की कहता है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, की है जी एक मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब सम दो पुजी त्रिभुज, सम दो पुजी त्रिभुज। इस तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉन किया होया है, एल्टीट्यूड
आइसोसेलस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना जी, सपोज करो आ एल्टीट्यूड ले लिया मैं, तो आ कि ले लिया जी 8 सेंटीमीटर ले लिया, एंड इट्स पैरीमीटर, तो यह पैरीमीटर मेरे को कितना देता जी पी, पी कि ले लिया जी, यदा 64 सेंटीमीटर ले लिया, कि ले लिया दोस्तों 64 सेंटीमीटर ले लिया। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, भी ट्रायंगल का जोड़ा एरिया होएगा वह कि होगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रायंगल के एरिए वास्ते आप पता होना चाहिए, तिने के तिने साइड्स पता होनी चाहिए ने। एक तो तरीका है बेसिक तरीका, बेसिक तरीका का की है, आप ए बी सी मन के, ए बी सी मन के यदि आप पैरीमीटर दे रखे, तो इस तो बाद हिरोनस फार्मूला वगैरह लगा के इस तरीके तो आप इसको करिए, तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन चल जाएगा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन जो आप विद दी हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट करिए, तो क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा। ईजी किवें हो जाएगा, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट बड़ा इंपोर्टेंट है, वो तो याद करनी पैनगियां। एक तो तुम्हें मैं हमने दस के गया 3, 4, 5 वाली, 3, 4, 5 दियाँ, 3, 4, 5 की भी हो सकती है, 4, 8, 10 की भी हो सकती है, 9, 12, 15 की हो सकती है, 12, 16, 20 की भी हो सकती है, 15, 20, 25 की भी हो सकती है, 18, 24, 30 की भी हो सकती है। मतलब आ बेसिक ट्रिपलेट हैगी है, इस तो बाद इन आप एक सॉरी 2 मल्टीप्लाई करके देखिए, 3, 4, 5, 6 किसी नाल भी आप मल्टीप्लाई, यदा मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ठीक है जी, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ क ट्रिपलेट्स होर है जिड़िया तुम टाइम टू टाइम याद करते रहने को। हूँ देखो 8 के नाल ट्रिपलेट की आ गई, एक तो आ पई है 8, 6, 10 या 6, 8, 10, तो ट्रिपलेट की बनती है, एक तो मैं इन्हों इरेज कर रहा, इन्हों मैं इरेज कर रहा, 8 के नाल ट्रिपलेट की बनती, एक तो बन गई जी 8, 6, 10। एक ट्रिपलेट होर तुसी याद रखोगे 8, 15, 17, 8, 15, 17 की ट्रिपलेट, सॉरी ट्रिपलेट भी तुसी की है याद रखोगे, ठीक है जी, 8, 15, 17 की। हुण एक 8 है, एक 6 है, तो एक की होगी जी 10। जे आ 8 है तो आ मैनू कितनी लेनी पेगी, 6 लेनी पेगी, तो आ कितनी लेनी पेगी दोस्तों 10 लेनी पेगी, ठीक है जी। तो ट्रायंगल की है आइसोसेलस है, जे आ 10 है तो आ भी कितनी लेनी पेगी, मैनू 10 लेनी पेगी। हुण ये मैं तुहानू दस के गया, जे ट्रायंगल आइसोसेलस है तो आ हमेशा जिहड़ा इहदा परपेंडिकुलर है इहनू बराबर दो हिस्सों के वंडदा है, तो आ जे 6 है तो आ भी कितना होएगा 6, तो इहदा मतलब आ टोटल कितनी होगी जी मेरे को 12 होगी, कितनी होगी दोस्तों 12 होगी। जदों मैं ट्रिपलेट कि ली है जी 8, 6, 10 की, कितनी ली है जी 8, 6, 10 वाली ट्रिपलेट ली है। हुण मैं जे इत्थों पैरीमीटर देखा तो मेरे को पैरीमीटर कितना बनता है, 10 ते 10, 20, 20 ते 12 कितना बन गया जी 32 बन गया, जदों कि पैरीमीटर होना कितना चाहिए मेरे को 64 होना चाहिए, तो आ वाली ट्रिपलेट तो मेरे को सैटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है जी। तो क्यों ना आप हम थले ट्रिपलेट लैके देखिए 8, 15 ते 17 की, 8, 15 ते 17 का मतलब की है जी आ 8 है तो मेरे को आ कितनी लेनी पेगी, मैनू हुण आ कितनी लेनी पेगी 15, जे आ 15 है तो आ भी कितनी आ जाएगी 17, आ 17 है तो आ भी कितनी आ जाएगी दोस्तों 17, जे आ 17 है आ 17 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, आ भी 15 है आ भी 15, तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 हो जाएगी। हुण आ मेरे को 30 आ गई, आ 17 आ 17 है, तो 17 ते 17 कितना आ गया दोस्तों, आ भी 17 है, 17 + 17 कितनी बन गई 34, 34 + 3 कितना बन गया दोस्तों 64 बन गया। तो बस ये ही मेरे को है ट्रिपलेट सैटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। तो मेरे को आ गया एक साइड आ भी 17 आ गई, आ भी 17 आ गई, तो आ कितनी आ गई दोस्तों 30 आ गई। हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होंदा है जी 1/2 बेस कितना है जी 30 है, बेस कितना दोस्तों 30 है, इनटू हाइट कितनी है दोस्तों 8 है, हाइट कितनी है 8 है, तो इनू मैं 15 नाल मल्टीप्लाई किया तो 15, 8 कितना आ गया जी आई थिंक 120, 15, 8 कितना आ गया जी 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। तो ऑप्शन कौन सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। तो ट्रिपलेट जो याद कर लोगे तो क्वेश्चन जोड़ा बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो जी देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, ठीक है जी। 14वां क्वेश्चन है PDF का, 14th क्वेश्चन की कहता है, तो थोड़ा जहा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वधिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कहता है ए स्केयर फील्ड ऑफ साइट 500 मीटर स्केयर इज इट हैज़ कंपाउंडड वॉल अलॉन्ग इट्स पैरीमीटर, एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर ए ट्रायंगुलर एरिया ऑफ फील्ड इज टू बी कॉर्नर्ड ऑफ बाई एग्जैक्टिंग ए स्ट्रेट लाइन फेंस,
कंपाउंडड वाल एंड द फेंस फ्रॉम इट बॉर्डर इफ द लेंथ ऑफ द फेंस इज 100 मीटर वट इज़ द मैक्सिमम एरिया टू बी कॉरंडड ऑफ। की कहता दोस्तों, कहता कोई स्केयर फील्ड है कि ये जी कोई स्केयर फील्ड है, आ कोई आप स्केयर फील्ड ले लिया, ठीक है जी। हुण इस स्केयर फील्ड दे विचों ए स्केयर फील्ड ऑफ साइड 500 मीटर हैज़ कंपाउंडड वाल अलोंग इट्स पैरीमीटर एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर इज ट्रेंगुलर एरिया ऑफ फील्ड इज टू कॉर्न, ये एक कॉर्नर तो कोई ट्रोंगुलर एरिया कट्टिया होया है, ठीक है जी। ट्रेंगुलर एरिया ऑफ मैक्सिमम ट्रेंगुलर एरिया ऑफ फील्ड टू बी कॉर्नर्ड ऑफ बाई एग्जैक्टिंग स्ट्रेट लाइन फेंस कंपाउंडड वाल विद फेंस बॉर्डर इफ द लेंथ ऑफ द फेंस 100 मीटर वट इज़ द मैक्सिमम एरिया दैट इन द बी एरिया जो होना चाहिए कि होंगे जी इस ट्रेंगल का एरिया जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए है। तो एक चीज़ याद रखियो दोस्तों, हमेशा जोड़ा ट्रेंगल का एरिया मैक्सिमम कदों होएगा जदों इस ट्रेंगल को आप बराबर हिस्सों के कट्टा जिन्ना इस पास्यों कट्टा उन्ना ही इस पास्यों कट्टा, मतलब आ लेंथ तो आ लेंथ की होनी चाहिए है मेरे को दोस्तों सेम होनी चाहिए है। तो सपोज करो मैं इतों इन इस कॉर्नर तो कट्टा तो आ जी मेरे को लेंथ है वो उन्नी कि दे रखी है 100 मीटर दे रखी है दोस्तों, किन्नी दे रखी है 100 मीटर। 1 मिनट आ जी लेंथ दोस्तों दे रखी है वो किन्नी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। तो दोनों जे इक्वल्स ने, जे दोनों साइड्स मेरे को इक्वल है तो इक्वल है तो मैं तो डायरेक्ट लिख सकता दोस्तों आ मेरे को कितना आ जाएगा 50√2 आ जाएगा, बट फिर भी तुम्हें मैं दस देना कितना आएगा मेरे को 50√2 आ जाएगा, बट किवें आएगा मैं वह भी थोड़ा जहा एक्सप्लेन कर देना हाँ किस तरह आएगा। देखो आ मेरे को बन गई जी एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गई, की बन गई दोस्तों एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गई जिदी आ हाइपोटेनियस किन्नी है जी 100 है, तो आ आइसोसेलस ट्रेंगल है क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें दस्या है जी आ लेंथ जिनी होएगी उन्नी लेंथ की होएगी आ होएगी, ताइयों आप मैक्सिमम एरिया इस ट्रेंगल के द्वारा कॉरंडड ऑफ कर सकते हैं या कट सकते हैं। तो जे आ वाली मेरे को आ लेंथ बराबर है, सपोज करो आ जी ये है तो आ भी किन्नी है जी ए है, ठीक है जी। तो हुण मेरे को होएगा जिहड़ा 100 का स्केयर है हाइपोटेनियस का जिहड़ा स्केयर है वो बेस का स्केयर प्लस की होएगा जी परपेंडिकुलर का स्केयर, तो कि आ गया दोस्तों मेरे को ए स्केयर प्लस कि आ गया जी ए स्केयर आ गया। तो 100 का स्केयर इज इक्वल टू कि आ गया दोस्तों 2a² आ गया दोस्तों, कि आ गया जी 2a² आ गया, ठीक है जी। हुण मैं जी टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड लवा दोनों पास जे मैं स्केयर रूट लवा तो की आएगा मेरे को 100 इज इक्वल टू कि आ जाएगा √2a आ जाएगा, कि आ जाएगा दोस्तों √2a आ जाएगा। तो इतों ए की वैल्यू कि आ गई इस 100 में मैं कि लिख सकता 50√2 लिख सकता, तो आ √2 मेरे को आ गया जी डिवाइडेड आ गया, कि आ गया जी डिवाइड आ गया। तो आ √2 टाइम की हो जाएगा जी कैंसल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कि आ गई जी 50√2 कि आ गई 2 आ गई, कि आ गई दोस्तों 50√2 आ गई, ठीक है जी। अदरवाइज तुम डायरैक्ट भी देख सकते सके जे मेरी आइसोसेलस ट्रेंगल की जी वीडियो है वो तुम ध्यान नाल देखोगे तो उतों तुम्हें क्लीयर कट हो जाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस तरीके नाल की है क्योंकि रट्टा लगाने की लड़ नहीं हैगी किसी चीज़ में तुम समझ के करोगे तो बैटर है। तो मेरे को आ वाली जी साइड है वो कि आ गई जी 50√2 आ गई, तो उन्हें की पुछ लिया इसका एरिया पुछ लिया, तो इस ट्रेंगल का जोड़ा एरिया है दोस्तों वो कि आ जाएगा इस ट्रेंगल का जोड़ा एरिया कि आ जाएगा वही 1/2 बेस, बेस कि है जी 50√2 है, बेस कि है जी 50√2, हाइट भी किन्नी है जी क्योंकि दोनों सेम ने आ भी 50√2 है तो आ भी कि है जी 50√2, तो हाइट भी किन्नी है जी 50√2 है। तो √2 × √2 दोनों मिलकर कैंसल की हो गया जी 2 कैंसल हो गया 50 × 50 5 × 5 कि आ गया जी 25, 2 0 कि आ गया जी 2500 आ गया, कि आ गया दोस्तों 2500। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है जी 2500 मीटर स्केयर, पहली ऑप्शन ही अपने को आंसर आ गया 2500 मीटर स्केयर, दूजी ऑप्शन सी 10000, तीजी 5000, तो चौथी ऑप्शन कही है जी 3750 है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करदा अज का जोड़ा लैक्चर है वो तो सॉरी जोड़ा अज का लैक्चर है तो समझ आया होएगा, ये जी अपनी दोस्तों ट्रेंगल है जी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। फिर भी जे ट्रेंगल PDF जी तुम मैं सेंड की हुई है उस आलमोस्ट किन्ने क्वेश्चन है जी, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है 16, ठीक है जी। 16 क्वेश्चन के कोई भी जो दिक्कत आती है, ठीक है जी, इस तो बाद अपना की है क्वाड्रिलेटर शुरू हो जाएगा अप टू 15th क्वेश्चन तक कोई भी डाउट हैगी है तो कल तक तुम मेरे डाउट ले सकते हो, मैं तुम्हें सॉल्व आउट करके भेज दूंगा। तो इस तो बाद जो आप टैसट लवेंगे तो वो टैसट तुम्हें PDF सॉरी WhatsApp ग्रुप के दस दूंगा
किस फॉर्मेट के टेस्ट होएगा तो टेस्ट के कितने क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इन्ना काफ़ी है जी, थैंक यू, धन्यवाद।